हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली दर्शकों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लक्ष्मी जी को अपने घर में पक्के रूप से रखने के अचूक टोटके और उपाय। आखिर लक्ष्मी जी कैसे हमारे घर को पसंद कर ले और हमारे घर को अपना स्थायी निवास बना ले, इसके लिए हमें क्या प्रयास करने होंगे। तो दर्शकों, आपको यह वीडियो बगैर स्किप किए एंड तक देखनी है और जो भी बताया जा रहा है उसे ध्यान से समझना है। यदि आप यह सब करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ लक्ष्मी जी आपके हमारे किसी के घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। सबसे पहला टोटका है कि धनतेरस से लेकर दीपावली की रात, मतलब यहाँ तीन रातों की बात की गई है कि धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली की रात में दीपक कहाँ कहाँ पर अनिवार्य रूप से जलाने हैं। अपने घर में और पूजा पाठ, मंदिर पूजन के स्थान पर तो सभी दीपक जगाते ही हैं। यह कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा सूने रास्तों, सूनी सड़कों, चौराहों, खंडहरों और मंदिरों पर दीपक जगाने चाहिए। नंबर दो, अंधे कुएं पर। अंधा कुआं मतलब जो कुआं अब प्रयोग में नहीं लाया जाता, सूखा कुआं। सूखे कुएं पर भी, अंधे कुएं पर भी दीपक जगाना है। नंबर तीन, कोई भी जलाशय, मतलब जलाशय का मतलब जहाँ पर जल का निवास हो, जैसे तालाब, सरोवर, बावली, नदी या समुद्र, कुछ भी हो। चाहे उस जलाशय पर लोग आते हो चाहे ना आते हो, लेकिन जल के किनारे पर दीपक जगाना जरूरी है। और नंबर चार, तुलसी और पीपल के पेड़ के नीचे। नंबर पाँच, शमशान घाट में। और नंबर छह, अनाथालय में, अनवरत आश्रम में, दुखी लोगों के घरों पर भी दीपक जगाना है। कृपया अभी कुछ बातें बहुत ध्यान देने की है जो आपको सावधानी से समझ लेनी चाहिए, नहीं तो आपको दीपक जगाने का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। एक तो ये है कि शमशान घाट में वीरान जगहों पर और चौराहों पर दीपक जगाने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखता है। दूसरा, तुलसी के पौधे में लक्ष्मी जी होती है तथा श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण पीपल वृक्ष को अपनी नीति के बताते हैं, इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जगाना जरूरी है।